की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच हो गई झड़प। दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प होने के बाद वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल और यहां तक कि ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है शर्म करो दिल्ली पुलिस। दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के पास बुधवार की आधी रात को जो हंगामा हुआ उसने सनसनी फैला दी। कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे खिलाड़ियों की कल रात पुलिस से झड़प हो गई। बारिश में फोल्डिंग बेड को लेकर मामला ऐसा गरमाया कि नौबत हाथापाई तक आ गई। मामले में करेला नीम पर तब चढ़ गया जब एक पुलिस अफसर ने नशे की हालत में महिला पहलवानों के साथ गाली गलौज की बात की, उनके साथ बदतमीजी कर दी। बात इसलिए भी बिगड़ने लगी क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवानों ने महिला पहलवानों को जब पकड़ने की कोशिश की तो बवाल हो गया। पहलवान तो पहले से ही भड़की हुई थी, वहीं धरना पर मौजूद तमाम पहलवान और समर्थक पुलिस के खिलाफ ताल ठोकने को उतारू हो गए। दिल्ली पुलिस और धरना दे रहे पहलवानों के बीच ये कलह सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रेंड करने लगा। इस पर दिल्ली पुलिस शर्म करो के हैशटैग से बेहिसाब वीडियो हवा में तैर गए। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों ने पुलिस पर गाली गलौज और मारपीट तक का आरोप लगाया है। साक्षी मलिक और विनेश ने आरोप लगाया है कि नशे में धुत पुलिस कर्मी उनसे बदतमीजी की। इसके बाद वहां पर मौजूद बाकी पहलवानों ने हंगामा कर दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि वाहन विनेश फोगाट के समर्थन में आए दुष्यंत को सिर पे चोट लगी है। सच कहा जाए तो जंतर मंतर पर मिडनाइट ड्रामा देखने को मिला। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश ने पुलिस पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया तो बजरंग पुनिया ने उसी वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लेकर दिल्ली पुलिस की शिकायत कर डाली। आपको बता दें कि इस घटना के बाद बजरंग पुनिया ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए वाटरप्रूफ टेंट लगाने की भी अनुमति मांगी है।